हेलो दोस्तों, कैसे हो? जैसे होंगे बढ़िया होंगे। तो भाई यहाँ पे एक मैं स्नाइपर ट्रेनिंग का मैच खेल रहा हूँ और आप देख सकते होंगे भाई यहाँ पे ना मैंने VSS चेक करी है। ऐसे ही मतलब मैं उठा के चलाने लगा, बस फिर मुझे बाद में पता चला भाई ये कुछ ज़्यादा ही सही बंदूक है, बस हम इसे मतलब चलाते नहीं है। तो वही मैं आपको इस गेम प्ले में दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर भाई ये बनता नहीं कौन आ गया। तो मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा हूँ, तो इसमें रैंकिंग बंदे का कुछ नहीं पता, कोई ज़्यादा भी आ सकता है कम भी आ सकता है, तो उसके लिए सॉरी भाई। और यहाँ पे तुम देख सकते होंगे भाई ये मतलब बंदे बस आ रहे हैं कि बस उड़ा दो बंदे को आके। भाई वो देखो मुझे कैसे ढूंढ रहा है, पर सबके पास स्नाइपर है तो मेरे पास कुछ एडवांटेज है, तो इस वजह से थोड़ा ठीक मिनी विनी सही चलती है गन। तो यहाँ पे मुझे VSS मिल चुकी है, मैंने उठा ली थी। और अब देखो भाई गेम प्ले इतना सही, मतलब मुझे सही में सही लगे ये गन। देखो कितने मतलब इंस्टेंटली मरती है। एक तो इसकी फायरिंग मतलब ऐसी कोई गन नहीं आई इतनी मिड रेंज में जिसके रिकॉइल भी कम हो और इतने फास्ट मार सके, और लॉन्ग मतलब स्कोप पहले से लगा पड़ा। अगर आपको स्कोप भी नहीं मिलता तो भी आपकी हेल्प करते। तो इस गेम को मतलब इस गन को ज़रूर ट्राई देना एक बार, अगर आपके पास स्नाइपर ना हो और एक स्नाइपर की ज़रूरत हो तो इस गन को एक बार ट्राई देना, मिड रेंज में यूज़ करना। जैसे मिड रेंज में हम DP वगैरह यूज़ करते हैं तो उसको उस मतलब DP से कंपेयर नहीं कर रहा मैं इसे, लेकिन एक बार ट्राई देना इसे। देखो कितनी जल्दी मर रहे हैं बंदे, भले ही ये 9 mm की बुलेट्स है लेकिन बंदे जल्दी मर रहे हैं। लेकिन हाँ, इसकी चलाते वक्त आपके पास एक्सटेंडेड क्विड्रो मैग होनी चाहिए, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। यही एक इसका मतलब डिसएडवांटेज है, क्योंकि ये रिलोड भी देर में होती है और इसकी 10 बुलेट्स आती है बिना एक्सटेंडेड क्विड्रो के। तो भाई उसका यूज़ ज़रूर करो, अगर मिल जाए आपको दोनों तो एक बार ज़रूर ट्राई करना, आपको ज़रूर मज़ा आएगा भाई। मतलब सब चीज़ ट्राई करो, एक ही गन के पीछे स्टिक कभी मत रहो, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करो, मज़ा आएगा तुम्हें, एक बार करके देखना बस। तो यहाँ पे मैं ऐसे फिर जाने लगा, मतलब इस गेम में चिकन डिनर तो हुआ नहीं, क्योंकि बस समझ जाओ भाई हो जाता मेरे यहाँ पे नेटवर्क की दिक्कत रहती है हर टाइम। लेकिन फिर भी मैं मतलब ठीक ठीक थोड़ा बहुत गेम प्ले है तो वही आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे वो बंदा कब से मेरे को शायद हेडशॉट देने की सोच रहा था, इस वजह से उसने कुछ रिएक्शन नहीं दिया। कोई बात नहीं भाई, VSS गॉड है। देखो वो ऊपर कैसे कूद रहा है, मैं भी कूद कूद के देख रहा हूँ। तो कैसी मतलब ऐसी सिचुएशन में कंटेनर के ऊपर कूद कूद के आप देख सकते होंगे भाई कौन कौन आ रहा है कौन नहीं। तो वो अपने बंदे को रिवाइव करेगा शायद, लग तो ऐसे ही रहा है। और ये कर भी दिया उसने रिवाइव, लेकिन उसका एक ओ भाई 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 भाई, भाई। ये ऊपर से कौन गुस्सा हो गया भाई, नाराज क्यों हो गया यार, मैंने क्या कर दिया तुम्हारे साथ ऐसा, क्यों नाराज़ हो रहे हो भाई ऊपर से गोली चला रहा भाई इतनी देर से। अच्छा वो ऊपर उस पर टावर पे, तो उसको पेलना पड़ेगा मुझे। चलो पेलते हैं उसे भी, अपना M24 का वो दिखाते हैं ज़रा। तो उस बंदे का लिटरली मुझे नहीं पता था वो कहाँ से मार रहा था, मुझे बाद में दिखेगा कि वो बंदा उधर खड़ा है, उसको हम M24 से हेडशॉट देंगे प्यारा सा। तो चारों तरफ से गोली चल रही थी, कोई उधर बिल्डिंग से बंदे मार रहे थे नदियों के पार, जो मतलब सात समुंदर पार से गोलियाँ चल रही थी भाई, कुछ नहीं पता। तो यहाँ पे बंदा पता नहीं ये इसके पेट में दर्द हो गया था बेचारा, चलता फिर रहा था, इसको भी हमने मुक्ति दे दी आराम से मरो। तो मुझे वहाँ पे बंदा स्पोर्ट हो गया और टक खत्म बेचारा। M24 भाई गॉड है यार, है तो ये तो बात ही थी, VSS की भी गॉड है ये तो। लेकिन हाँ, मैं इस वीडियो से यही आपको बताना चाह रहा था कि एक बार VSS को ज़रूर ट्राई दो, ठीक है? ट्राई दे के कमेंट कर सकते हो नीचे कि भाई कैसी लगी, और जिसने पहले चलाई हो और जो चलाता हो और किसी की फेवरेट गन भी हो सकती है ये, तो वो भी ज़रूर कमेंट करना भाई नीचे। और बस यार थैंक यू सो मच फॉर वीडियो मतलब देखने के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।